सो हेलो गाइस, आहा देखो कैसे खड़ी है, वेट कर रही है। आज एक पहला कॉल स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि दो दिन से खड़ी है, चला ही नहीं है। आवाज़ सुन लो, सो आज मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक का काम करवाने। 3:30 तो 3:22 तो अभी हो गए हैं, बहुत लेट निकल रहा हूँ। एंड सीन है कुछ ऐसा है कि करोल बाग जाने का प्लान हुआ है एंड मुझे ग्लव्स भी लेने हैं। मैं ये 300 रुपये वाले ग्लव्स लगा के ना परेशान हो गया हूँ। अगर इसको ऐसे रखा जाए तो 52 डिग्रीज दिखा रहा है। 52 डिग्रीज पता है कितना होता है ब्रो। सो हियर वी गो। सो गाइस, आज देखते हैं कि हम क्या क्या करेंगे। रितेश को मैंने फ़ोन कर दिया है, उसको मैंने बोला है कि मैं निकल चुका हूँ एंड अगर वो आ सकता है तो मैंने उसको बोला है कि तू भी आ जा, तो हम देख लेंगे क्या क्या करवाना है। वैसे जो प्रायोरिटी में है मेरा काम वो है सबसे पहले एक मोबाइल होल्डर, ठीक है, एक मोबाइल होल्डर लगवाना ही लगवाना है एंड लेग गार्ड, और साथ में ही सैडल स्टे भी लगाने का मैं सोच रहा हूँ कि लगा ही देता हूँ। अगर मैं जा ही रहा हूँ तो सैडल स्टे लगा ही देते हैं, कोई बुराई तो है नहीं क्योंकि आगे वाले राइड्स में काम ही आ जाएगी मेरे। सोच रहा हूँ कि ट्रिपल नेविगेशन का टेस्ट ही कर लिया जाए, थोड़ा आगे जाके रुकता हूँ फिर लगाता हूँ। एक चीज़ और याद आई, अभी सीट कवर भी लगाना है, वो भी लगवा लेंगे। एंड यार लेकिन देखो, जब बाइक पे तुम होते हो ना तो तुम्हें गर्मी सिर्फ तब तक लगती है जब तक तुम एक जगह खड़े हो, जैसे तुम ऐसे चलने लग जाते हो तो फिर वो उतनी गर्मी फील होती नहीं है। हमारे आगे जाम है, अब हम असली अपनी ऑफ रोडिंग करेंगे। जिसके लिए ये बाइक हमने ली है, क्या बात है, मज़ा आ गया। ये देखो भाई, यहाँ जाम लगा था और हम लोग डिवाइडर क्रॉस करके इधर आ गए। आगे यहाँ पे जाम लगा हुआ है, सब कुछ फंसा हुआ है एंड हम टोटली डिवाइडर के जा रहे हूँ। बीच बीच में चेक करना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है, बीच बीच में तो बनता ही है हमारा चेक करना। हाँ पता नहीं यार, कैमरा हैंग हो गया था, अभी रुक के फिर से ऑन किया है। अरे पीछे इतना कुछ हुआ है, कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये यहाँ पे मेरा हाथ लग गया कैमरा के ऊपर और एक वायर शेड डीली थी माइक की एंड माइक बंद हो गया। और मैं यहाँ पे यही बात कर रहा था कि पीछे अभी बहुत कुछ हुआ था कि जो मैं दिखाना चाहता था, लेकिन कैमरा एकदम हैंग हो गया था एंड मैं फिर रुका हूँ और उसके बाद चेक किया कि क्या हुआ है, लेकिन वॉइस नहीं आ रही है। सो गाइस, यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि मैं पहुँच गया था पंजाबी बाग एंड मैं इस जगह की बात कर रहा था कि भाई देखो कितना सुंदर बनाया हुआ है ये अंडरपास। एंड पंजाबी बाग से यहाँ से सीधे निकलते हुए हमारा करोल बाग का रास्ता जुड़ जाता है, तो वही मैं बात कर रहा था। और ये ऑडियो का जो ये हो गया है, ये अब देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, शायद कोई वायर डीली हो गई थी और जो मेरे टच करने से बंद हो गई थी,
एक बार ही देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम था, बाकी नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाएगा। सो गाइज, मैं हूँ रितेश और मैं पहुँच चुका हूँ इस बंदे के पास अभी यहाँ पे, और रात के बज चुके 8:30। और अभी ना ये जाना का जो फ्रेम स्लाइडर है ये लग चुका है, तुमने देख ही लिया है प्रीवियस वीडियो में, और इसका सैडल स्टे भी लग गया है जाना का ही, बहुत अच्छी स्टर्डी क्वालिटी का है, तुम्हें पता ही होगा जाना अपने आप में मशहूर है। और इसमें अभी हम लाइट्स लगवा रहे हैं HJG की, जिसमें ऊपर ना एक ये प्रॉपर ऐसे रबर लगता है, रबर के साथ एक ये ग्लास होता है येलो लाइट के लिए, ताकि फॉग वॉग में तुम इसे आराम से यूज़ कर पाओ। और इसमें हमने लगा रखा है एक ये स्विच जिससे ये लाइट ऑन ऑफ होगी, और प्लस ये मोबाइल होल्डर जो विदाउट चार्जिंग वाला है, ठीक है, इसमें ये काम हुआ है। बाकी अभी सीट जो है, सीट का कवर तुमने देख ही लिया होगा वीडियो में, इसमें सीट कवर हमने यहाँ खजांची एक शॉप है जो अभी क्लोज हो गई है वहाँ से बनवाया, ब्राउन कलर का सीट कवर है। तुम एक बार ना कलर से बता दो तुम्हें कैसा लग रहा है इस बाइक के साथ, कैसी लुक दे रही है ये सीट, हमें तो अपने हिसाब से ये सही लगी तो हमने ये कलर प्रेफर किया। अभी तुम ना कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बता देना ये कैसा लग रहा है। और भाई अभी इसकी वायरिंग कर रहे हैं प्रॉपरली, तब तक मैं तुम्हें अपनी बाइक में दिखाता हूँ, मैंने एक छोटी सी बहुत छोटी सी चीज़ की है, बहुत अगर देखा जाए तो डिटेलिंग का काम कह सकते हैं। ये जो चीज़ तुम देख रहे हो ना, ये वर्क मैंने कराया, वर्क क्या है, ये मैंने बेसिकली टेपिंग कराई वाइज़र के ऊपर। ये वाइज़र ना बहुत प्लेन था, तो इसमें कुछ ऐसा फील नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था हट के सा लग रहा है, इस बाइक के साथ जा नहीं रहा, तो मैंने इसके ऊपर ना थोड़ा सा दिमाग लगा के दो स्ट्रिप्स लगा दी, एक नियॉन की और एक वाइट की, क्योंकि यहाँ पे नियॉन है एक यहाँ पे वाइट है। तो अब तुम ना इसको देख के बताओ ये कैसी लग रही है तुम्हें ऑल ओवर बाइक इस स्ट्रैप लगाने के बाद। बाकी ये बंदा यहाँ तब से बातें कर रहा है, मैं इसको कह रहा हूँ व्लॉग कर ले भाई, व्लॉग कर ले, नहीं कर रहा ये। और ये हिमालयन जो है अभी रेडी हो चुकी है, रेडी टू गो है ये बिल्कुल किसी अच्छी ट्रिप पे। बाकी ये जाना की क्वालिटी के बारे में तुम्हें आगे चल के फिर से बता देंगे कभी, जब हम इस पर सैडल बैग वगैरह यूज़ करेंगे। और वैसे तुमने पता ही होगा जाना नाम बहुत चलता है इन सब चीज़ों में, बहुत अच्छा ब्रांड है। अभी वायरिंग होने के बाद ना जैसे हम इधर से निकलते हैं तो उसके बाद तुमसे मिलते हैं, तब तक ना तुम्हें दिखा देता हूँ, ये शॉप है ह्यूज राइडर्स के नाम से, तुम्हें दिख रही होगी, इनका ना मैं तुम्हें विजिटिंग कार्ड दिखा देता हूँ। एक बार विजिटिंग कार्ड दिखा देना भैया, मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ अपने चैनल पे। ये भैया है, इनका नाम कन्हैया है, इनके आसपास गोपियाँ रहती है, तो ये यहाँ बैठते हैं। और एक और भैया वो अभी पता नहीं बाहर गए हैं कहीं, ये इनके शॉप का कार्ड है विजिटिंग कार्ड, इसमें एड्रेस ये लिखा हुआ है, और इनके दो नंबर है, एक व्हाट्सएप है एक कॉलिंग का है, तो तुम दोनों देख सकते हो। किसी व्हाट्सएप पे भैया बता रहे थे जल्दी से रिप्लाई कर लेते हैं, कॉलिंग में कभी कभी बिजी रहते हैं तो रिप्लाई नहीं कर पाते, तो उसके हिसाब से देख लीजिए, मंडे क्लोज रहता है, बाकी तुम कभी भी कॉल कर लो। और कभी विजिट करना हो यहाँ पे आ जाना भैया, मेरा नाम लेके मेरे चैनल का नाम लेके डिस्काउंट मिल जाएगा ना, ठीक है भाई, ठीक है, तो इनसे मिल लेना, मेरे चैनल का नाम बता देना तो डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी तुम दो बेबीज़ देख लो वहाँ पे, एक हिमालयन है और एक मेरी जिक्सर। अभी यहाँ से निकल के तुमसे दोबारा मिलते हैं। सो अभी तो देखो अभी हो गया है सारा काम, अब हम निकल रहे हैं। तो ये देखो भाई चमत्कार, ये अभी लाइट लगवाई है, बहुत ही बढ़िया लाइट है, ज़बरदस्त लाइट। अभी सिटी में चलाना सही नहीं रहेगा। सो गाइस अभी का प्लान ऐसा है कि इस टाइम पे हम लोग जा रहे हैं CP की ओर, देखते हैं कुछ होगा खाने पीने के लिए तो फिर मज़ा आएगा, बट खाने के लिए लगता नहीं है कुछ होगा अभी इस टाइम पे। वो बंदे के पास ना पैसा बहुत है और अकड़ बहुत है, क्योंकि उसको वो उसको फेम मिली थी बहुत पहले ही, बहुत पहले फेम मिल गई थी उसको,
पता सीन क्या हुआ था उसको, उसके ऊपर वीडियोस बहुत सारी बन चुकी है पहले ही, उसके ऊपर पहले ही बहुत सारी वीडियोस बन चुकी है। तभी वो ऐसा, अब उसको पता है, कहता मार्केट देख लिया करो, ये किया करो, उसको पता है मेरे पास आएंगे ही आएंगे कस्टमर यूट्यूब से, हम गए ही नहीं। हमारी बाइक कम है क्या? लो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं सीपी। ये मतलब ये मैं अभी आगे जाऊंगा, ये देखो बगा रहा है, देख रहे हो कैसे गया है, बेवकूफ़ी है, भगाएगा थोड़ा सा आगे जाएगा फिर रुक ही जाएगा, बट ऐसे भगाना नहीं चाहिए रात में तो बिल्कुल नहीं। मैंने तो अपना संभाल के चलाया है, 50, 60, 70 मैक्स टू मैक्स 70 गया मैं, उसके ऊपर नहीं गया एक बार भी। यहाँ से हमें जाना है लेफ्ट, अबे लेफ्ट लेफ्ट, मेरे पीछे चलना भाई, बोते चला रहा है वो। आप पकड़ लिए ना हमने। मजा आया। भाई सीपी से तो निकल गए हम, इस टाइम पे जैकेट मैंने खुली रखी है एंड फोन माउंट लगा लिया, बढ़िया है फोन माउंट यार। सीपी रुके थे हम इसीलिए कि कुछ खाने वाने के लिए मिल जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। अब हम वापस जा रहे हैं। चलो गाइस, मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लाइट्स ऑफ एंड मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए, शबा खैर।